हेलो स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 16 का पैराग्राफ नंबर 2 का चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें को पैराग्राफ नंबर 2 की कुछ लाइनें हमने उस अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए कि लेखिका ये बताना चाहती है कि उसकी जो माँ थी वो पुराने ख्यालात की नहीं थी। इंडियंस होने के बावजूद भी उनकी जो विचारधारा थी उसे हम कह सकते हैं उनकी सुलझी हुई विचारधारा थी। ये सब बातें हम अपने पुराने वीडियो में हो रही थी। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। वो कहती है वो घर नहीं संभाल पाती थी क्योंकि उसकी माँ कैसी रहती थी, बीमार रहती थी, पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेखिका ये बात हमें नोट कराना चाहती है, समझाना चाहती है कि मेरी जो मतलब जिसकी वो बात कर रही है, मेरी माँ अपनी माँ की, वो ये कह रही है कि उनके जो मतलब उनका जो रोल था वो बहुत बड़ी हार्ड वर्कर नहीं थी। जैसी कि उस टाइम पे महिलाएं अपने मतलब पूरा दिनचर्या जब भी देखो वो काम में व्यस्त रहती थी, परंतु उनकी तो ऐसी भी दिनचर्या नहीं थी। वो कहती हैं कि वो दिन भर उनका जो समय होता था उनका मोस्टली टाइम बिस्तर पर ही जाया करता था। बिस्तर पर ही लेटी है, वहीं पे वो क्या करती थी, साहित्य चर्चा सुनती, संगीत सुनती। लेकिन इन सब मतलब कामना करने के बावजूद भी घर फैमिली के जितने भी सदस्य थे उनसे सलाह लिया करते थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। ये बात लेखिका हमें समझाना चाहती है, ठीक है। तो वो कहती है कि लेकिन कोई उनसे ये नहीं कहता था कि जो माँ है ना काम नहीं करती है, जैसा कि उस टाइम पे औरतें किया करती थी। तो इसके लिए वो बताती है, आगे वो कहते हैं साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। एक कारण तो वो कहती है कि हो सकता है मेरे माँ के पास ये रोग इसलिए आया हो कि वो साहबी खानदान यानी कि थोड़ा सा जो प्रता का जो गुण है वो उनके पास था, तो वो इस वजह से और अच्छे ऊँचे खानदान की थी, सो उसमें ये बात थी। दूसरी बात वो कहती थी कि एक और कारण है कि लोगों में वो लोकप्रिय थी, परिवार में वो लोकप्रिय थी। उसका एक कारण और है कि वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जब हम किसी से झूठ नहीं बोलते हैं तो बहुत बड़े विश्वास पात्र भी बनते हैं। इसका एक मेरिट है, यही जो मैंने बताया कि हम हर व्यक्ति के विश्वास पात्र भी बन जाते हैं। कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वे एक दूसरी बात है कि वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। इतना है कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, किसी की हर व्यक्ति की अपनी एक प्राइवेसी होती है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है, प्राइवेसी होती है। परंतु वो कहते हैं कि इस प्राइवेसी, अगर किसी की कोई प्राइवेट चीज़ है, बात है, कोई प्राइवेसी चीज़ है, तो वो क्या करती थी कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लीक नहीं होने देती थी। इस बात से वो कभी भी किसी को पता नहीं चलता था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फलां अमुक व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है। ये बड़ा ही मतलब एक कहना है, मतलब बहुत समझदारी का उनका जो व्यक्तित्व, ये इसी व्यक्तित्व के कारण सारा परिवार उनकी ओर आकर्षित था, हम कह सकते हैं। ये दो तीन बातें उन्हें पूरा परिवार उनसे बंधा रहता था, क्योंकि लोग उस पर कितना भी जमाना चल आगे बढ़ जाए लेकिन विश्वास उसी पर होता है जो विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय कौन होता है, जो झूठ नहीं बोलता है,
विश्वसनीय वही व्यक्ति होता है जिसका कोई वजूद होता है, जो झूठ नहीं बोलता है और जो नारदगिरी का काम नहीं करता है। उसके अंदर एक अटूट गहराई, समुद्र तल जैसी गहराई होती है बातों को समझने की, बातों को रखने की, समुद्र जैसी गहरा वो उसका हृदय होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा समझदार कहलाता है। तो यही बात हम आपको भी समझाना चाहते हैं कि उनकी माँ का अपने परिवार में लोकप्रिय होना, समझदार होना और लोग उन पर उंगली ना उठाते, इसी बात को सभी परिवार उनकी रिस्पेक्ट करते, इन सभी के पीछे यही दो कारण थे। समझ गए हो बात को? तो यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चैप्टर, हमारा पैराग्राफ नंबर 3, पेज नंबर 16 को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाय बेटा, टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।